Hello everyone, this is Vivek Tiwari. In our previous video of differentiation, we have solved few basic concepts of the differentiation. Right, those concepts are based on the syllabus of 11th standard. From now onwards, whatever video we will see, all those videos are based on the syllabus of 12th standard. Okay, in this video, we will cover derivative of the inverse function, derivative of the composite function, derivative of the implicit function, derivative of the parametric function, derivative of the logarithmic function, and second order derivative. Okay, these are the topics which are given in the 12th syllabus, right? All those topics we will cover in our coming videos. In this video, we will start derivative of composite function, right? So first of all, you should know what is composite function. आपने 11th standard में पढ़ा रहेगा सेट्स, उसमें आपने क्या दिखा रहेगा, फंक्शंस दिखा रहेगा, f of x, g of x, right? Then you have find f of g of x, g of f of x. वहाँ पे क्या करते थे आप, x के प्लेस पे g of x की वैल्यू को रिप्लेस करते थे तो आपको क्या मिलता था, f of g of x मिलता था, राइट? और g ऑफ x में अगर x के प्लेस पे आप f ऑफ x रिप्लेस करते थे तो आपको क्या मिलता था, g f ऑफ x मिलता था. ओके, उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन. मतलब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए एक वेरिएबल के प्लेस पे दूसरे फंक्शंस को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, राइट? उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं. सो डेरीवेटिव में सेम कंसेप्ट दिया है, मीन्स क्या है कि हमारे पास क्वेश्चंस है वो, राइट, फंक्शंस भी है, वो फंक्शंस के हमको डेरीवेटिव निकालने हैं. बट प्रॉब्लम क्या है कि जो वो फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालने हैं, वो फंक्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, राइट? और वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना इतना सिंपल होता नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, वो जो फंक्शन दिया रहेगा वो फंक्शन में कोई नया वेरिएबल क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, ताकि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म था वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपल में आ जाए. और एक बार वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म एक बार सिंपल में आ गया तो उसका डेरिवेटिव ईजिली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. सो ये फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल का यूज़ करते हैं. ओके, सो वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ चेन रूल. सो लेट अस बिगिन विद द लेक्चर. सो बिफोर स्टार्टिंग द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, लेट अस स्टडी व्हाट इज चेन रूल. फॉर एग्जांपल, आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, राइट? सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, वाई को और एक्स को स्प्लिट कर सकता हूँ. सो वाई न्यूमरेटर में है, एक्स डिनोमिनेटर में एज इट इज़ है, राइट? हियर आई कैन राइट डी यू, कहाँ पे, डिनोमिनेटर में. मैंने क्या किया, डी यू से डिवाइड किया. सो डी यू से जब डिवाइड किया तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट? सो डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज डी वाई बाई डी यू इन टू डी यू बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी यू का मतलब वाई का डेरीवेटिव लेना है यू के रिस्पेक्ट में, जैसे x का लेते थे वैसे u का लेंगे. ओके, कुछ भी चेंजेस आने वाला नहीं है. du बाई डी एक्स मतलब u का डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट में. दिस इज़ कॉल्ड चेन रूल. ये कब यूज़ करते हैं, जब काफ़ी कॉम्प्लेक्स फंक्शन रहता है तब. फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ए रेस टू 1 प्लस लॉग एक्स. ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है, बट आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए रेस टू एक्स का. बट ये पूरे टर्म के प्लेस पे क्या होना चाहिए था, एक्स होना चाहिए था, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है, ए रेस टू एक्स होता है. बट ये पूरे टर्म के प्लेस पे एक्स है क्या, नहीं है, राइट? सो हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं. पुट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू यू. हमने क्या किया, यू पुट कर दिया, रिप्लेस करो इसको क्वेश्चन में. सो वाई इक्वल्स टू ए, दिस होल टर्म विल बी रिप्लेस बाई यू. सो क्या दिख रहा है अभी, y इक्वल्स टू ए रेस टू यू हो गया. क्या हो गया, a रेस टू u हो गया. ये उसी फॉर्म में दिख रहा है ना, a रेस टू x. जस्ट डिफरेंस क्या है, x के प्लेस पे u है. जब वेरिएबल x था तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, अब यहाँ पे वेरिएबल u है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. सो डिफरेंशिएटेड ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी यू. जब x के रिस्पेक्ट में करते थे तो क्या लिखते थे, डी वाई बाय डी एक्स लिखते थे. यू के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी यू. ए रेस टू यू क्या हो जाएगा, ए रेस टू यू इंटू लॉग ए, बिकॉज ए रेस टू एक्स क्या होता था, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए होता था ना. तो सेम डेरिवेटिव रहेगा, जस्ट वहाँ पे एक्स था तो वहाँ पे एक्स आता था, यहाँ पे यू है तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, यू आ जाने वाला है, राइट? बट वॉट इज डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी यू होता है. वो तो हमने निकाल लिया। और क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स होता है, बट आपके पास डी यू बाई डी एक्स है क्या? नहीं है। सो लेट अस फाइंड डी यू बाई डी एक्स। हमारे पास u है, येस u कितना है, u इक्वल टू 1 प्लस log x होता है। u कितना होता है, 1 प्लस log x। वो u का डेरिवेटिव लेना है, u का क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, बिकॉज अभी डिनोमिनेटर में x आ गया। सो 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। सो 0 प्लस 1/x कितना आ जाएगा, 1/x आ जाने वाला है। सो हमको क्या मिल गया, du बाई डी एक्स मिल गया। सो नाउ वी कैन फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी यू होता है इंटू du बाई डी एक्स होता है, राइट। dy बाई डी यू हमने निकाला, कितना निकाला, dy बाई डी यू, दैट इज a रेज टू यू इंटू लॉग ए। अभी आपको एक चीज़ ध्यान में देना है, आपने u पुट किया, राइट। सो u को आपको रिप्लेस भी करना पड़ेगा। u कितना पुट किया था, 1 प्लस log x। तो u के प्लस पे कितना रिप्लेस करोगे, 1 प्लस log x। तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे u था तो मैंने u के प्लस पे क्या रिप्लेस कर दिया, 1 प्लस log x। सो dy बाई डी यू कितना है, a रेज टू 1 प्लस log x इंटू लॉग ए। ये किसका वैल्यू आया, dy बाई डी यू का आया, इंटू du बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स कितना मिला हमको, 1/x मिला। सो इंटू 1/x, दिस इज अवर आंसर। सो चेन रूल क्या होता है, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी यू होगा, du बाई डी एक्स होगा। हमको क्या करना है, जस्ट चेक करना है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा था, a रेज टू x का, बट वहाँ पे x नहीं था, x के प्लेस पे क्या था, 1 प्लस log u था। तो x के प्लेस पे जो टर्म रहेगा वो टर्म को क्या करना है, आपको अज्यूम कर लेना है। कितना अज्यूम करना है, u अज्यूम करना है, राइट। u अज्यूम करने के बाद उसको रिप्लेस कर दो, फिर y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में लो, फिर u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लो और दोनों को फॉर्मूले में पुट कर दो। सेम थिंग, ये क्या दिख रहा है, y इक्वल्स टू, अगेन सेम दिख रहा है, a रेज टू x, 5 रेज टू समथिंग है ना। तो 5 मतलब क्या, कोई कॉन्स्टेंट नंबर, a मतलब क्या, कॉन्स्टेंट नंबर। तो यही फॉर्मूला है a रेज टू x का, बट ये एक्चुअल में x है क्या, नहीं। क्या दिख रहा है, a रेज टू समथिंग दिख रहा है ना, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था। तो हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे x प्लस लॉग एक्स के जगह पे कितना पुट करेंगे, u। सो क्या हो जाएगा, 5 रेज टू u हो जाएगा, राइट। सो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, y को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, u के रिस्पेक्ट में, बिकॉज वेरिएबल कौन है, u है। सो a रेज टू u क्या होता है, a रेज टू u इंटू लॉग a के प्लेस पे 5 था तो क्या आ गया, लॉग 5, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, u के प्लेस पे u रिप्लेस कर देंगे। u कितना है, x प्लस लॉग एक्स। सो राइट x प्लस लॉग एक्स इन द प्लेस ऑफ u। सो ये क्या मिला, dy बाई डी यू मिला। नाउ u कितना हमने अज्यूम किया है, x प्लस लॉग एक्स अज्यूम किया है। सो अब ये जो u है, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। x का डेरीवेटिव 1, लॉग एक्स का डेरीवेटिव 1/x हो गया। सो ये क्या मिल गया, डी यू बाई डी एक्स मिल गया। सो अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स मिल जाएगा बाय यूजिंग चेन रूल। dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पर लिख सकते हो बाय चेन रूल, हर एक क्वेश्चन में मेंशन कर देने का, यहाँ पे भी बाय चेन रूल, राइट, यस। सो dy बाई डी यू कितना मिला, 5 रेज टू x प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग 5 इंटू डी यू बाई डी एक्स कितना मिला, 1 प्लस 1/x। सो दिस इज अवर आंसर, राइट। सो जस्ट हमको चेक करना है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वो फॉर्मूले में x के प्लेस पे क्या था और यहाँ पे क्या है। x के प्लेस पे जो रहेगा उसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स ही चाहिए, राइट। क्या है, y इक्वल्स टू लॉग, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, y इक्वल्स टू लॉग x का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला था, y इक्वल्स टू लॉग x का फॉर्मूला पढ़ा है। तो लॉग तो है बट x है क्या, नहीं। x के प्लेस पे क्या है, 10 x रेज टू 4, 5 x क्यूब माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 2 है। सो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था, बट यहाँ पे x नहीं है। सो x के प्लेस पे जो भी टर्म है उसको क्या अज्यूम कर लो, u अज्यूम कर लो। सो x के प्लेस पे जो भी टर्म था वो पूरे टर्म को u अज्यूम कर लिया, राइट? यस। सो y इक्वल्स टू लॉग, ये पूरे को u अज्यूम किया, सो रिप्लेस कर दो u। अब u आ गया, u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। लॉग x क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। सो लॉग u क्या हो जाएगा, 1 बाई u हो जाने वाला है। किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में। अब क्या चाहिए, y तो मिल गया, y बाई यू तो मिल गया। अब हमको u पता है, u कितना पता है, 10x⁴, 5x³ माइनस 3x² प्लस 2, राइट? अब हमको u को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, राइट? सो 10 क्या है, कांस्टेंट है, वो तो डेरिवेटिव के बाहर रहेगा। x⁴ का डेरिवेटिव 4x³ हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा। x³ का डेरिवेटिव 3x² हो जाएगा, 3 तो बाहर रहेगा। x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा प्लस 2, 2 क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज 2 के साथ x है क्या, नहीं। सो 2 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, राइट? यस। 10 4s are 40, 5 3s are 15, 3 2s are 6 प्लस 0 मतलब कुछ नहीं होता है, राइट? यस। यहाँ पे क्या मिला, डी वाई बाई डी यू मिला, राइट? यू के प्लेस पे हम लोग यू को रिप्लेस करेंगे। यू कितना है, 10x⁴, 5x³ माइनस 3x² प्लस 2, ये मेरा u था तो मैंने u को u के प्लेस पे रिप्लेस कर दिया। ये क्या मिला, dy बाई डी यू बाई डी एक्स मिला, बट हमको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये कहाँ से आया, बाय चेन रूल, राइट? यस। सो डी वाई बाई डी यू कितना है, जितना है उसको रिप्लेस कर दो। कितना था, 1/10x⁴ प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2, राइट? यस। इंटू डी यू बाई डी एक्स कितना है, 40x³ प्लस 15x² माइनस 6x, राइट? ये क्या हो गया, आंसर। आप यहाँ पे एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 1 से इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो ये टर्म इधर आ जाने वाला है। सो दिस विल बी 40x³ 15x² माइनस 6x होल अपॉन 10x⁴ 5x³ माइनस 3x² प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाने वाला है, राइट? सो आई थिंक सो नाउ इट इज़ बिट क्लियर। ये क्या दिख रहा है, y इक्वल्स टू लॉग समथिंग दिख रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, लॉग x होता है, x के प्लेस पे ये टर्म है, राइट? सो ये पूरे टर्म को हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, u अज्यूम करने वाले हैं, राइट? यस। सो y इक्वल्स टू लॉग, यह होल टर्म क्या हो गया, u हो गया, सो क्या हो गया, लॉग u। नाउ डिफ्रेंशिएट दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू u। लॉग u क्या होता है, 1 बाई यू होता है, येस। u के प्लेस पे u रिप्लेस कर दो। u क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, राइट? येस। नाउ u कितना अज्यूम किया था, ax² प्लस bx प्लस c। अब ये u को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ये तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा। x² का डेरिवेटिव 2x, b कांस्टेंट है, बाहर आएगा। x का डेरिवेटिव 1, c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो 2x इंटू ए विल बी 2ax, b इंटू 1 विल बी b, राइट? सो बाय यूजिंग चेन रूल वी कैन फाइंड dy बाई डी एक्स। हाउ, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। दिस इज अवर chain rule. So dy by du is how much? 1 upon ax² plus bx plus c into du by dx is how much? 2ax plus b. 1 का multiplication इसमें होने वाला है, so this will be 2ax plus b upon ax² plus bx plus c. So this is our answer, which is equals to dy by dx. It is clear? Yes. Now we will see one more sum. See, what is the question? y equal to अंडर रूट एक्स प्लस वन बाय एक्स. आपने रूट का कोई फॉर्मूला पढ़ा है? यस, पढ़ा है. क्या था फॉर्मूला? रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स पढ़ा है, राइट. सो रूट अंदर क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए, बट एक्स है क्या? है, बट एक्स के साथ और भी टर्म है ना. यस, तो मतलब एक्स नहीं है. सो पुट यू इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बाय एक्स, राइट. यस, सो वाई विल बी रूट, ये पूरे के प्लेस पे क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा, राइट अब यू को रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो. रूट एक्स क्या होता है? वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे यू है, तो क्या हो जाएगा? वन अपॉन टू रूट यू हो जाएगा. सो वन अपॉन टू अंडर रूट यू के प्लेस पे यू रिप्लेस करो. यू क्या है? एक्स प्लस वन बाय एक्स, उसको रिप्लेस कर दिया ना, राइट यहाँ पे क्या निकाला हम लोग ने? डी वाई बाई डी यू निकाला. हमको पता है u कितना है? x प्लस वन बाई एक्स है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? du बाई डी एक्स निकालेंगे. अब u को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में. सो x का डेरिवेटिव 1, राइट. यस, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, राइट सो यहाँ से क्या मिल गया? du बाई डी एक्स. सो बाई यूजिंग चेन रूल, चेन रूल क्या था? dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू into du by dx. So what is the value of dy by du? dy by du is 1 upon 2 under root x plus 1 by x into, what is the value of du by dx? du by dx is 1 minus 1 upon x square. So this is our answer. Is it clear? Yes, right. सो क्या करना है? जैसे आपको अज्यूम करना है कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा है, और ये जो क्वेश्चन है कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में दिया है. जो फॉर्मूला दिख रहा है वहाँ पे चेक करने का x किधर आता है. x जिधर आता है, देखो वो x के प्लेस पे कौन सा टर्म है. जो टर्म है वो टर्म को क्या कर दो? सब्स्टिट्यूट कर दो. क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? u. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन क्या फॉर्म दिख रहा है? वाई इक्वल्स टू समथिंग रेज टू 9 दिख रहा है. 9 मतलब n होता है, राइट नंबर है. सो समथिंग रेज टू n दिख रहा है. कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? x रेज टू n दिख रहा है, बट x है क्या? नहीं है. सो x के प्लेस पे जो है उसको u पुट कर लेंगे. सो u विल बी 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x. ये होल टर्म क्या हो गया? u हो गया. जस्ट रिप्लेस, यहाँ पे u आ जाएगा. u रेज टू 9. differentiate this term with respect to u, so this will be 9u square, sorry 9u raised to 8, because 9 minus 1 कितना होता है? 8 होता है, right. yes, अब u को replace कर दो. u क्या था? 5x cube minus 4x square minus 8x raised to 8. so differentiate करने के बाद u को replace कर देने का. now u हमने assume किया है, कितना assume किया है? 5x cube minus 4x square minus 8x assume किया है. सो u को हम लोग अब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में. 5 तो बाहर आ जाएगा. x क्यूब कितना होगा? 3x स्क्वायर. 4 बाहर आएगा. x स्क्वायर कितना होगा? 2x. 8 बाहर आएगा. x कितना होगा? 1. 5 3 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8. मिल गया सब? येस. सो बाई यूजिंग विच रूल? चेन रूल. What is chain rule? dy by dx equals to dy by du, du by dx. What is the value of dy by du? That is 9 into 5x cube minus 4x square minus 8x raised to 8 into, what is du by dx? That is 15x square minus 8x minus 8. सो दिस इज़ अवर आंसर. ब्रैकेट ओपन करने की, मल्टीप्लाई करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट चेन रूल. तो आपको जस्ट चेक करना है कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में x किधर है, वो x के प्लेस पे कौन सा टर्म है. जो टर्म है उसको u पुट कर लो. उसके बाद क्या निकालो? dy बाई डी यू निकालो, du बाई डी एक्स निकालो. उसके बाद चेन रूल का यूज़ करके दोनों को भर दो. क्या आ जाएगा? आंसर आ जाने वाला है. सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना. आपको कुछ भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियो.